गुड मॉर्निंग। आज हम बताने वाले हैं घनाभ। और जैसा कि आप जानते हैं घनाभ में 12 किनारा और 6 पृष्ठ होता है। तब 12 किनारा और 6 पृष्ठ से बने हुए क्षेत्र को हम लोग कहते हैं घनाभ। और घनाभ का फॉर्मूला होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विशेष महत्व रखता है। एल से लेंथ और बी से ब्रेथ और एच से हाइट। तो लेंथ को हम लोग लंबाई बोलते हैं और ब्रेथ को चौड़ाई बोलते हैं और लेंथ हाइट को ऊंचाई बोलते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा एल बी एच। दूसरा हो जाता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। घनाभ के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। और होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ यही होता है। और इसके बाद हम घनाभ के विकर्ण लिखते हैं। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H² इसके बाद एक होता है चारों दीवारी का क्षेत्रफल। जैसे एक कमरा है, बोला जाएगा कि छत और फर्श को छोड़कर पूरे कमरे को पेंट करना है, तो सबसे पहले कमरे का कुल पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो लिखना होगा कमरे में चारों दीवारी बच जाता है, तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल। चारों दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2H × L + B। 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है तो उस घनाभाकार पात्र का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, विकर्ण एवं विकर्ण ज्ञात करें। हम लिखेंगे सबसे पहले तो इसमें जो दिया हुआ है उसे छांट लेना है। और दिया हुआ क्या है, घनाभाकार पात्र का, तो यहां लिखेंगे घनाभाकार पात्र का, घनाभाकार पात्र का लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे इसीलिए आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई जगह पर 12 × 5 = 60 या 180 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और आयतन का मात्रक होता है क्यूब। ये हो गया आंसर, आयतन निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल, फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ फॉर्मूला है 2 × LB + BH + HL। तो 2 × L के जगह पर लिखना है, जैसे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × B की जगह पर लिखना है 5। और फिर जो है यहाँ आ जाते हैं, पहले तो इसको लाइनिंग कर देते, अंडरलाइनिंग कर देंगे क्योंकि इसे ही गुना करना, और B की जगह पर 5 और H के जगह पर लिखना है 3, अंडरलाइन, फिर H के जगह पर 3 और L के जगह पर लिखना है 12। तो इसे लिखेंगे 2 × 12 × 5 = 60 और +5 = 15 और +12 = 36। इसको हम लिखेंगे 2 × 5 = 6 = 5 = 11 हासिल 1 = 4 = 5 = 6 = 5 = 11। तो अब इसे हम लिखेंगे 2 × 111 = 222 सेंटीमीटर लिखेंगे, और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होता है स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब हम इधर निकाल लेते हैं इसका विकर्ण। तो लिखेंगे घनाभ का विकर्ण इक्वल
हो जाता है, इसका फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लिखेंगे रूट अंडर एल, यानी लंबाई की जगह पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, और चौड़ाई की जगह पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई की जगह पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9, 5, 14, 4, 18 हासिल बचा 1, और ये हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 3, 7, और ये हो गया 1, ये हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण की लंबाई होता है, यही हो गया आंसर। और एक जानकारी ले लें कि घनाभ में सबसे लंबा विकर्ण की लंबाई होता है, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं आयतन क्रमशः 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवं 360 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को कहते हैं हम घन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई आयतन का क्रमशः मतलब होता है कि पहला का पहला हुआ, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, इस टाइप से हम समझ लेते हैं। तो उस घनाभाकार पात्र का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें आयतन निकालना हो कि पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें चाहिए तीन चीज, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता है लेकिन ऊंचाई पता नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से फॉर्मूला की भी कोई जरूरत नहीं है। इसमें दिया हुआ आयतन है, हमें लिखना होगा गिवेन, दिया गया है घनाभाकार पात्र का आयतन इक्वल 360 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे यहां घनाभाकार पात्र के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे एल बी एच बराबर 360, यानी कि इसका एल बी एच के बराबर क्या दिया हुआ है 360। हम लिख देंगे एल के जगह पर लिखना है 12, बी के जगह पर 5, और यहां लिखेंगे एच इक्वल 360। ये देखिए 12 पंचे कितना हो गया 60, और गुने एच इक्वल 360। आप जानते हैं कि बराबर हुआ तो बराबर में तो भाग लगता है ना, जीरो से जीरो काट देंगे, छछा के 36, इसीलिए एच बराबर निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना तो आसान हो गया, हम लिखेंगे यहाँ इसीलिए घनाभाकार पात्र का पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है इसका 2 × LB + BH + HL। तो लिखेंगे यहाँ 2 × L के जगह पर लिखना है 12, और B के जगह पर लिखना है 5, और प्लस फिर 5 गुने ऊंचाई जगह पर 6, फिर ऊंचाई जगह पर 6, लंबाई जगह पर 12, ये हो जाएगा 2 × 12 × 60 प्लस 6 × 5 = 30, और वर्षा के 72, ये हो जाएगा 2 × 60 = 90, 70 हो जाएगा 162, और 162 दुना हो जाता है 2 × 4 = 12 हासिल 1, 2 × 2 = 324 सेंटीमीटर, और पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जैसे कि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा और आयतन निकालना है, तो इसमें अलग से कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमें लिखना है गिवेन घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB BH और HL इक्वल 480, 2 से कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, ये हो जाएगा 240। तो L के जगह पर लिखना है, लंबाई इसमें दिया हुआ है नहीं दिया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई 4 और चौड़ाई तो दिया हुआ नहीं है, इसे निकालना है, और चौड़ाई जगह पर लिखना है B और ऊंचाई जगह पर लिखना है 10, प्लस फिर ऊंचाई जगह पर 10 और लंबाई की जगह पर लिखना है 4 इक्वल 240, ये हो जाएगा 4B और प्लस 10B और प्लस 10 × 40 इक्वल 240, ये हो जाएगा 4B और 10B जुड़कर हो जाएगा 14B और प्लस
40 इक्वल 240। हम देखेंगे कि ये 40 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 14b इक्वल 240 माइनस 40 ये हो जाएगा 14b इक्वल 200। 240 में 40 घटा 200। अब क्या करेंगे, 14 इधर गुना में उधर चल जाएगा भाग में, 200 बटे 14, 2 × 14 ये हो जाएगा 100। तो यहाँ चौड़ाई निकल गया 100/7 सेंटीमीटर। अब निकालना आयतन, इसीलिए आयतन इक्वल LBH, L के जगह पर लिखना है 4 और B के जगह पर अभी जो निकला 100/7 और H के जगह पर लिखना है 10, ये हो जाएगा टोटल के टोटल 4000/7 सेंटीमीटर और आयतन है तो इसका मात्रक होता है क्यूब, ये हो गया आंसर। तो आप समझ गए कि यदि ऊंचाई भी निकालना होगा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही फॉर्मूला से आपको निकालना है, अगर लंबाई भी निकालना हो तो यही फॉर्मूला से निकालना है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पता है कि घनाभ का आयतन क्या है। हमें पता है कि घनाभ का आयतन LBH होता है, ये पता है। अब इसके बाद क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, तो हम लिखेंगे यहां घनाभ का लंबाई दुगुना करेंगे तो L है और दुगुना हो जाएगा तो 2L, फिर घनाभ का चौड़ाई B है तो दुगुना हो जाएगा तो 2B, फिर घनाभ का ऊंचाई H होता है और दोगुना है तो 2H। इसीलिए जब इसका आयतन हम निकालेंगे, क्योंकि आयतन की कंपेयर करना है तो आयतन निकालेंगे, तो LBH इसका फॉर्मूला L के जगह पर 2L और B के जगह पर 2B और H के जगह पर 2H, इसलिए हो जाएगा 2 × 4 × 8 LBH। तो कितना गुना हुआ, तो यहां लिखना है कितना गुना, तो कितना गुना लिखेगा तो ऊपर में लिखना होगा 8 LBH और नीचे में जो हमें पता है LBH इसका कितना गुना हो गया 8 गुना, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जवाब दे सकते हैं बिना बताए, जैसे कहेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का क्यूब होता है 27, तो कितना गुना हो जाएगा इसका आयतन 27 गुना। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 4 गुना कर दिया जाए तो इसका 4 का क्यूब होता है 64, यानी इसका आयतन का क्या हो जाएगा 64 गुना। समझ गए, तो ये आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली मार सकते हैं। तो किसी घनाभ की लंबाई दुगुनी चौड़ाई 3 गुनी और ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो वह उस घनाभ के आयतन का कितना गुना हो जाएगा। ऊंचाई अपरिवर्तित का मतलब होता है कि ऊंचाई का मान चेंज नहीं होगा, ऊंचाई एच ही रहेगा। आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो हमें गुना होगा, तुलना करना है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयतन कितना होता है। यह हमें पता है कि वही ना हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन LBH होता है और इसमें क्या कहता है कि लंबाई को लंबाई दुगुनी चौड़ाई 3 गुनी ऊंचाई अपरिवर्तित रहे। तो देखिए यहां हो जाएगा लंबाई, लंबाई हो जाएगा दुगुनी करना है तो 2L और चौड़ाई हो जाएगा 3 गुनी करना है तो 3B और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखना है तो ये हो जाएगा H। इसीलिए अब इसका आयतन, नया आयतन क्या हो जाएगा कि LBH, तो L के जगह पर 2L और B के जगह पर 3B और H के जगह पर H, ये हो जाएगा 2×6 LBH। तो देखिए कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया,
तो कितना गुना हुआ, जो निकला उसको ऊपर लिखना है और जो हमें पता था उसे लिखना है नीचे, कंपेयर कर देना है, ये हो जाएगा 6 गुना। यही हुआ हमारा आंसर। चलिए इस टाइप की कोई क्वेश्चन आएगा तो अब कोई डॉट नहीं रहा इसमें, तो आराम से आप बना लीजिएगा, कितना हो गुना दे दे आराम से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो तो अन्य घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है तो आयतनों का अनुपात क्या है। इसके बारे में सोचना ही नहीं है, लिखा हुआ है अनुपात तो हम लिखेंगे, इसीलिए अनुपात बराबर। आप जानते हैं कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, तो ऊपर भी LBH नीचे भी LBH, तो ऊपर में लिखना है L के जगह पर 5 और B के जगह पर 4 और H के